नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरके स्टडी 7 में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के रिजल्ट के बारे में कि आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 के जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। तो दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के रिजल्ट से रिलेटेड एक न्यू अपडेट सामने निकल कर आया है। ये क्या है अपडेट, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह नई नई जानकारी के लिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों ये एक नया अपडेट है। तो दोस्तों क्या है अपडेट, चलिए जान लेते हैं। और तलब है कि कंप्यूटर आधारित नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी सीबीटी 1 परीक्षा का आयोजन कई चरणों में किया गया था। 28 दिसंबर 2020 से 31 जुलाई 2021 तक कुल 7 फेज में परीक्षा संचालित की गई थी। प्रत्येक चरण की परीक्षा में लाखों की संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए थे। अब ये उम्मीदवार अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। इस भर्ती प्रक्रिया में सीबीटी 1, सीबीटी 2, टाइपिंग स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जाम शामिल है। डिटेल जानकारी के लिए कैंडिडेट अपने संबंधित जोन की आधिकारिक वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। बता दें कि आरआरबी ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी स्टेज 1 की परीक्षा की आंसर की 16 अगस्त को जारी की थी, और आंसर की के साथ ही कैंडिडेट के रिस्पॉन्स और क्वेश्चन पेपर भी उपलब्ध कराए गए थे। रेलवे भर्ती बोर्ड के संबंधित जोन की ऑफिशियल वेबसाइट पर 16 अगस्त से आंसर की का लिंक उपलब्ध कराया गया था। वहीं बोर्ड ने आंसर की पर ऑब्जेक्शन के लिए उम्मीदवार को 18 अगस्त से 23 अगस्त तक का समय दिया था। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट 2021 रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा आयोजित नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी स्टेज 1 सीबीटी 1 परीक्षा के परिणाम अब जल्दी घोषित किए जाएंगे। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रिजल्ट की घोषणा अक्टूबर माह में की जाएगी। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खुशखबरी है एनटीपीसी वालों के लिए कि रिजल्ट की जो घोषणा है वो अक्टूबर माह में की जाएगी। हालांकि बोर्ड की तरफ से फिलहाल नतीजे जारी करने की कोई आधिकारिक तिथि जानकारी नहीं दी गई है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी सप्ताह में रिजल्ट डेट की आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। परिणाम जारी होने से फाइनल आंसर की जारी की जाएगी। परिणाम जारी होने से पहले फाइनल आंसर की जारी की जाएगी। रिजल्ट की घोषणा होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.government.in पर या अपने संबंधित जोन की रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर इसे चेक कर सकेंगे। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों के रोल नंबर की आवश्यकता होगी। ऑफिशियल वेबसाइट पर चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर के अनुसार PDF फॉर्म में सूची जारी की जाएगी। उम्मीदवार मेरे लिस्ट की जाँच कर सकेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू।